हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ क्राफ्टर एसएमसी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे प्यारे को लवली कमेंट्स को लवली वाला शॉट, बिना किसी देरी के चलते हैं प्यारी से वीडियो की तरफ को। सो गाइस देखो यार, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हमारी जो फ्रोजन साइथनी है बोल रहे हैं, उसको हम लोग मैक्स आउट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब मैक्स आउट इन द सेंस थोड़ा अच्छा खासा इंचमेंट्स इसको लगा देते हैं। ठीक है, अभी हमारी एक्सपी थोड़ी कम है, एक्सपी बॉटल बना के फटाफट से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। सो गाइस देखो यार, सबसे पहले तो एक्सपीरियंस बॉटल हमारी बन चुकी है, पर एक चीज़ है, इसको एक साथ यूज़ मत करना। मतलब ठीक है, मतलब अलग अलग यूज़ करना, पूरा यूज़ करने के बाद, जैसे अभी 46 हो गया, उसको पहले यूज़ करो, फिर उसके बाद दूसरी यूज़ करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो चुका है, इसको हम लोग फटाफट से एन्चेंट कर देते हैं। सो गाइस फाइनली हमारा सारा एन्चेंट हो चुका है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ हर एक एन्चेंटमेंट्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पे पहले तो आप मिनियंस देख लो भाई, हमारे एक भी मिनियन, मतलब थोड़े बहुत मिनियंस है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनको भी बनाना बाकी है, बट थोड़े बहुत ऐसे हैं जो पूरा मैक्स आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको दो चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, एक है मिनियंस और एक होने वाला है आपकी एन्चेंटमेंट्स और एक होने वाली है आपकी रीइन्फोर्समेंट्स। ठीक है, जिनको भी इसके बारे में पता नहीं है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट होने वाला है। तो गाइस जैसे कि ये लैपिस मिनियन देख लो, यहाँ पे गाइस आप लोगों को चार चीज़ देखने को मिलती है, फ्यूल, ऑटो शिपिंग, फिर आपको अपग्रेड स्लॉट टू एंड स्टोरेज। तो भाई देखो, स्टोरेज जो है वो तीन टाइप की आती है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ठीक है, अपग्रेड स्लॉट के अंदर आपके दो कंपैक्टर्स होते हैं, एक नॉर्मल कंपैक्टर, एक सुपर कंपैक्टर। अपग्रेड स्लॉट के अंदर गाइस डायमंड्स ब्रांडिंग के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लगता। शिपिंग के अंदर भी दो आते हैं, बजटरी हॉपर और एक और हॉपर होता है, उसका नाम नहीं पता। फिर गाइस रही बात अपने ये पेड़ वाले की, इसके अंदर भी सेम होता है। अब गाइस अब इसमें आप बोलोगे कि भाई हम लोग इसमें कंपैक्टर लगा देंगे तो क्या होगा, तो भाई इसके अंदर आप कंपैक्टर लगा दोगे तो कुछ नहीं होगा। ये नॉर्मल पेड़ की जब मतलब जो लॉक्स देने की जगह पे आपको देगा एन्चांटेड लॉक्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फ्यूल्स के अंदर आपके एन्चांटेड लावा बकेट भी डाल सकते हो या तो एन्चांटेड कोल डाल सकते हो। ऑटो शिपिंग में दो हॉपर आते हैं, एक बजटरी और एक नॉर्मल। ठीक है, तो गाइस ये रहा बजटरी हॉपर की रेसिपी, जिसको हम लोग फटाफट बना के इसके अंदर लगा के दिखाते हैं। सो गाइस ये रहा हमारा, इसके अंदर हम डाल देते हैं ऑटो शिपिंग, यहाँ पे आ गया, देख लो भाई। ठीक है, तो ये जा चुका है, यहाँ पे ये एक्टिवेट हो गया है। तो ऐसा गाइस देखो ओर वाले के अंदर होता है, ओर वाले के अंदर गाइस देखो जैसे कि ये कोल है, देखो इसके अंदर ऑलरेडी लावा प्रेजेंट है। ऑटो शिपिंग इसके अंदर नहीं डाली बिकॉज तो इसकी थोड़ी स्पीड थोड़ी कम है इसलिए। अब गाइस रही बात ओर वाले की, उसके अंदर आप लोग के दो आते हैं, कंपैक्टर प्लस आपका सुपर स्मेल्टर। ठीक है, तो गाइस अब बात करते हैं अपनी एन्चेंटमेंट्स की। यहाँ पे आप लोगों को बहुत तरह के एन्चेंटमेंट्स देखने को मिल जाएगी, आप बोलोगे भाई कौन से एन्चेंटमेंट किस में होती है वगैरह। इसके अंदर गिनी चुनी एन्चेंटमेंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, टेलीकिनेसिस गाइस सब में लग जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो एक्स, पिकैक्स, ड्रिल, हो, शवल, स्वॉर्ड, फिशिंग रॉड, बो, बूमरैंग्स, शेयर्स, सब में लग जाती है। इसका काम यह है कि मतलब आप लोग इससे कुछ भी काम करते हो, जो भी जिसको मारते हो वगैरह, उसका जो भी ड्रॉप्स होते हैं डायरेक्टली आपके इन्वेंटर के अंदर आ जाता है। ठीक है, और ये सिर्फ एक ही होती है। फिर गाइस आती है ग्रोथ की बात, ये ग्रोथ 5 तक जाती है, जिसके अंदर भी आप लगाओगे लेगिंग्स, हेलमेट, चेस्ट प्लेट, बूट्स, ये आपको हेल्थ देता है इनटू +75। ठीक है, तो ये सब में लग जाती है। और इसका बुक शेल पावर है 8 का, तो 8 का बुक शेल पावर होना चाहिए। ठीक है, फिर गाइस आप जैसे नीचे जाते हो ग्रोथ मिलता है, फिर वगैरह फायर एस्पेक्ट, फॉर्च्यून पावर, पंच, टेलीकिनेसिस, वैम्पायरिज्म, स्कैवेंजर्स, बहुत सारी एन्चेंटमेंट्स देखने को मिल जाती है। ठीक है, वैम्पायरिज्म के अंदर गाइस होता है कि आप लोग 5 तक होता है, अगर 5% हेल्थ वो सामने वाले से खींच लेता है अगर आप एनिमीज को उसकी लास्ट हेल्थ तक मारते हो। ठीक है, फिर गाइस आती है अपना स्कैवेंजर के अंदर गाइस होता है ये है कि उससे आपको पैसा वगैरह सब कुछ मिलता है। ठीक है, क्रिटिकल के अंदर ये होता है कि डायरेक्ट क्रिटिकल डैमेज मारने की आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है, फर्स्ट स्ट्राइक, जो भी आपका फर्स्ट स्ट्राइक मारोगे ठीक है उसकी पावर डबल होती है। ये पर्सुइंग जो है गाइस ये आपके बो के अंदर लगती है, और इसके अंदर होता ही है आप जैसे एरो मारोगे वो एनिमी टू एनिमी ट्रैवल करता है सेम अमाउंट ऑफ डैमेज के साथ। ठीक है, और फिर आपका कंबस्किन जो है, कंबस्किन है यार वो ज़्यादातर आपके क्रीपर्स वगैरह को ज़्यादा डील करता है डैमेज के वगैरह के अंदर, तो ये अगर आप लोग क्रीपर वगैरह को मारना चाहते हो आप लोग कंबस्किन यूज़ कर सकते हो आपकी स्वॉर्ड के अंदर। ठीक है, तो गाइज ये रहा सारा आपका एन्चेंटमेंट्स के रिलेटेड। ट्रू प्रोटेक्शन गाइज भी बना सकते हो, पर इसका अभी आपको डायरेक्टली खरीदनी पड़ती है। ठीक है, वो आपको आपके केव्स के अंदर मिलेगी, डार्क ओक बायोम के अंदर। तो गाइस फटाफट चलते हैं ऑक्शन हाउस के अंदर, भी मेरे को कुछ चीज़ें चेक करनी है, तो फटाफट चलते हैं। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं ऑक्शन हाउस के लिटरली बहुत ज़्यादा पास। जैसे कि आप लोगों को हमारा मनी ट्रिक वाला का आपने अगर वीडियो देखा होगा तो वो देख लेना, यहाँ पे हम लोग ने रेड स्टोन की हम लोग ने चेस्ट प्लेट रखी थी।
ठीक है, अगर ये सेल हो गई तो ये जैसे दबाऊंगा 10,000 हमारे इन्वेंटरी में। यस गाइस, ये सेल हो चुका है, तो गाइस इसको फटाफट डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक के अंदर और आपको फिर बताते हैं अपने रिफोर्समेंट के बारे में। तो गाइस इसको डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, डिपॉजिट हो चुका है, अब विड्रॉ भी कर लेते हैं। अब हम लोग को जाना है अपने जो भी क्या बोलते हैं रीइंफोर्समेंट एरिया के अंदर, जहाँ पे आपको बताने वाला हूँ अलग अलग टाइप की रीइंफोर्समेंट। तो गाइस ये है हमारी पहली रीइंफोर्समेंट जो कि है लेजेंडरी। जैसे कि आपको पता होगा ये रहा इसका पावर। यहाँ पे गाइस हर एक रीइंफोर्समेंट एरिया के हिसाब से यहाँ पे पावर्स आपकी चेंज होती है। तो जैसे कि आपको पता होगा हमारा पहले स्पाइसी था, अब हो चुका है लेजेंडरी, अब चेंज होने वाला है अपना, ये बन चुका है शार्प, ठीक है, शार्प रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डैमेज क्रिटिकल है वगैरह इंक्रीज हो गया। ये हो चुका है ऑड फ्रोजन एयर, यहाँ पे आप चेंज देख सकते हो पावर्स रिलेटेड। ये बन चुका है स्पाइसी जो हमारा पुराना वाला था, ये अब बन चुका है हीरोइक। यहाँ पे गाइस आप लोग ऊपर की साइड चेंजेस देख सकते हो कितना चेंज हो रहा है। ये अब बन चुका है फास्ट और वापस हम लोग ने कर दिया एपिक पे। चेंजेस देखो गाइस, आप लोग चेंजेस देखते रहो यहाँ पे। तो गाइस ये बन चुका है जेंटल फ्रोजन स्नाइथी, ठीक है, अब चेंज होने वाला है वापस फेरी फ्रोजन स्नाइथी। मतलब आप लोग रीइंफोर्समेंट देखो कितनी अलग अलग टाइप की है भाई। तो गाइस फाइनली हम लोग ने इसको वापस लेजेंडरी के अंदर कन्वर्ट कर चुका हूँ, क्योंकि फ्रोजन स्नाइथी लेजेंडरी वाला सबसे ओपीएस्ट है। इसकी पावर डबल हो जाती है और डैमेज देखो भाई सिंगल लाइन 1208 पावर लेवल देख लो भाई कितना ज़्यादा। तो गाइस सारा पैसा हम लोग फटाफट ऑक्शन हाउस में जाते हैं, मुझे वहाँ से अभी एन्चेंटेड लावा बकेट खरीदनी है, ठीक है, क्योंकि मेरे एक मिनियन के अंदर लगानी है मेरे को। तो यहाँ से हम लोग एन्चेंटेड लावा बकेट खरीद लेते हैं, ठीक है, बाई नोट पर करके रखा हुआ मैंने, तो फटाफट खरीद लेते हैं। ये रही भाई 3 लाख की है ऑलमोस्ट, तो फटाफट खरीदते हैं और हमारे लैपिस मिनियन है वहाँ पे लगा के फिर उसको लगाने के बाद हम लोग मिलते हैं हमारी वीडियो की एंडिंग के अंदर। तो आई होप सो गाइस आज की वीडियो आप लोगों को मजा आएगा, मजा आए तो प्लीज स्टॉप लाइक शेयर, और आपको कोई भी रिलेटेड डाउट्स है एन्चेंटमेंट्स और रीइंफोर्समेंट के रिलेटेड तो मेरे को बता सकते हो, ठीक है, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा या तो उसके ऊपर वीडियो हम जरूर बना देंगे। तो बस गाइस आज की वीडियो यहीं एंड अप करता है, होप सो वीडियो के अंदर मजा आएगा, तो प्लीज स्टॉप लाइक शेयर, मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक गाइस सी यू, टाटा एंड बाय बाय।